हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूर इटनकर एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आप बच्चों जानते हो, आज का जो वीडियो है वो एमएसबीटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ दिन पहले दैट इज 16 अप्रैल को एक लेटेस्ट सर्कुलर आया हुआ था एग्ज़ाम को लेके। दैट इज 16 अप्रैल को ये सर्कुलर आया हुआ था, लेकिन इस सर्कुलर के भी बारे में कुछ डाउट्स अभी भी लोगों के मन में आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आए हुए थे कि सर हमारा क्या होगा, हमें कैरी ऑन की बातें हो रही है या फिर प्रमोट की बातें हो रही है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, कुछ लोग टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं और कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि सर आई स्कीम वालों के साथ क्या होगा या फिर जी स्कीम वालों के साथ क्या होगा। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके ये सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके जो एमएसबीटी के जो अपडेटेड जो लेटेस्ट सर्कुलर है सब कुछ नोटिफिकेशन इस चैनल के अंदर मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस सर्कुलर में एग्जैक्टली क्या चीज़ आई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये जो सर्कुलर आया था दैट इज 16 अप्रैल को ये सर्कुलर आया था, उसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट था उसमें क्या लिखा हुआ है कि सिंपल चीज़ लिखे हुए कि जो लॉकडाउन अभी बढ़ाया गया है तो उसके बारे में उसके बाद किस तरीके से आपका जो एजुकेशनल वर्क्स है या फिर एग्ज़ाम जो होने वाली है उसको किस तरीके से लिया जा सकता है, किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में लिखा हुआ था। और पहला पैराग्राफ के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन को हमारे पीएम ने 3 मई तक बढ़ा दिया गया था, तो उसके बाद ये जो लेटर जो आया था हमारे एमएसबीटी को या फिर हमारे डीटीओ को, तो उसके बारे में फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेकंड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि हमने जब 16 मार्च को हमारा जो कॉलेज जो है वो ऑफ हो गया था, तो उसके बाद एमएसबीटी ने ये बताया हुआ था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप जो बचा हुआ सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ था एमएसबीटी ने। तो जब ये कुछ लॉकडाउन जब बढ़ गया था तो उसी दौरान एमएसबीटी ने सभी जो कॉलेजेस है उनके तरफ से डेटा मंगाया था कि कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन आप कितना कंप्लीट कर चुके हो। तो उससे उन्होंने एवरेज निकाल के बताया कि 89% जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था अप टू 16 मार्च, और उसके बाद 6-4 तक, ठीक है, 6 अप्रैल तक 8% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कंप्लीट किया गया था। तो ऐसा टोटल 97% सिलेबस आज के डेट में कंप्लीट हो चुका है, ऐसा एमएसबीटी का कहना था। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर हमारा 89% हाँ, तो अभी भी कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि अभी तक हमारा जो सिलेबस था वो 89% 16 मार्च तक ही कंप्लीट नहीं हुआ था सर। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गलती है वो आपके कॉलेज की हो सकती है या फिर आपके फैकल्टी की हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है नियर अबाउट 16 हमको वीक्स मिलता है टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है, तो अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है 89% आपका मार्च तक, तो आपका काम है कि ये सिलेबस अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपके टीचर्स लोगों से आपके कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट किया जाए। ठीक है, और इसके भी बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है एमएसबीटी ने कि अगर इतना परसेंट कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर बचा हुआ है, दैट इज 89+8% हुआ था, और अगर 3% दैट इज 97% हो गया और 3% अगर बचा हुआ है तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई सेकंड पैराग्राफ तक। अब बात आती है कुछ लोगों को ये डाउट्स आ रहे हैं कि कैरी ऑन लगने वाला है या फिर क्या प्रमोट होने वाले हैं या फिर आई स्कीम का क्या होगा, जी स्कीम का क्या होगा। तो मैं आपको अभी बता दूं कि क्या इस चीज़ों में होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से कैरी ऑन लग सकता है या प्रमोट हो सकता है, इसके बारे में डाउट क्लियर करता हूँ और बाद में तीसरे पैराग्राफ में मैं आता हूँ। तो कैरी ऑन अगर लगता है तो किस तरीके से होगा, कैरी ऑन का मतलब ये सिंपल होता है कि अगर कोई बच्चा सपोज मान के चलते वो 4th सेम में है, तो अगर उसको कैरी ऑन मिला तो वो चला जाएगा 5th सेम में, लेकिन 5th सेम में जाने के बाद उसको 4th सेम के भी सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। तो मतलब ये है कि आपको उल्टा नुकसान ही होने वाला है, तो कैरी ऑन तो नहीं। ठीक है, हर किसी को लग रहा है कि कैरी ऑन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब प्रमोट की बात, हाँ प्रमोट अगर होते हैं तो आप 4th सेम के पेपर ना देते हुए डायरेक्टली 5th सेम में जा सकते हो, 5th सेम में आपको 4th सेम की पेपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एज पर माई ओपिनियन ऐसा नहीं होने वाला है कि ना ही कैरी ऑन के बारे में एमएसबीटी अभी सोच रही है
ठीक है, और ना ही प्रमोट के बारे में सोच रही है। इसका रीजन क्या है मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। फिर बात आती है आइस स्कीम का क्या होगा, जी स्कीम का क्या होगा। तो आइस स्कीम के बारे में अब क्योंकि अभी आइस स्कीम चल रहा है तो जी स्कीम वाले जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में ये आ रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बच्चों आपको ये बता दूं जी स्कीम वालों को कि जो आइस स्कीम के साथ होगा वही जी स्कीम के साथ होगा। ठीक है, जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनको उनका भी यही लागू होगा, उनको भी आइस स्कीम के जरिए जो होगा वही जी स्कीम को होगा। ठीक है, तो आपको पेपर तो और देने ही देने हैं, फाइनल ईयर को पेपर देने ही देने हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से उनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर क्या होने वाला है, हमको क्या कैरी ऑन मिलने वाला है, प्रमोट करने वाला है। तो मैं आपको बता दूं लास्ट पैराग्राफ में ये सिंपल लिखा हुआ, हाँ तो बच्चों लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या फिर आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम है, थ्योरी एग्जाम है, वो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से और अपने कॉलेजेस जब चालू हो जाएंगे तो उसके बाद उसका टाइम टेबल जो है वो आपके एमएसबीटी के साइट पे जरूर दिया जाएगा। और आप अगर देख रहे होंगे इस चीज को तो यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो बड़े बोल्ड अक्षरों में एमएसबीटी ने लिखा हुआ है। तो इस से मैं ये क्लियर करा दे सकता हूं कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन अभी तक एमएसबीटी ने ले लिया है, ठीक है, कि कैरी ऑन देना है या फिर प्रमोट करना है। तो मुझे ये लगता है कि फर्स्ट ईयर वालों ने भी अपनी पढ़ाई, सेकंड ईयर वालों ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है, थर्ड ईयर का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उनकी तो एग्जाम होने ही वाली है। तो एमएसबीटी ये भी सोच सकता है कि अगर थर्ड ईयर की ली जा सकती है तो क्यों ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी ली जा सकती है। ठीक है, एग्जाम जरूर होगी इसलिए आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो के बाद भी अगर कोई आपके डाउट बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो टिल द एंड देखिए और ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। तो आपको पढ़ाई कंटिन्यू करते रहनी है और इस चैनल जो है मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि आपके जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे मैं इस चैनल पे देते रहूंगा। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।